मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में जीवन दायिनी नर्मदा के जल को निर्मल एवं प्रवाह को अविरल रखने तथा समग्र विकास के लिए गठित मंत्रिमंडल समिति के साथ कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक का प्रबंधन अमरकंटक विकास प्राधिकरण गठित कर किए जाने, भविष्य में होने वाली बसाहटों के लिए नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से दूर भूमि चिन्हित कर सैटेलाइट सिटी विकसित किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुशासन भवन भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के आयोजन के लिए गठित समारोह समिति की बैठक में सहभागिता कर अपने विचार साझा किए एवं जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कहा कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष में उनके प्रति सम्मान के प्रकटीकरण के लिए मंत्री परिषद की बैठक महेश्वर में आयोजित की जाएगी। देवी अहिल्या की न्यायप्रियता, शासन प्रशासन में नवाचार, लोक कल्याण सहित उनके संपूर्ण व्यक्तित्व व कृतित्व पर शोध के लिए देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में शोध पीठ स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सभा कक्ष में वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में हो रहे आयोजन के संबंध में बैठक लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती का योगदान ऐतिहासिक था। शौर्य की प्रतीक रानी युद्ध संचालन में दक्ष थीं। उन्होंने बाहरी हमलावरों को निरंतर परास्त किया। लगातार 51 युद्ध जीतने के पश्चात उनका आखिरी युद्ध भी प्रेरणादायी था, जिसमें उन्होंने पराजय की स्थिति देखते हुए शत्रु के हाथ मारे जाने की बजाय कटार भोग कर स्वयं को समाप्त किया। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती जी के सम्मान में मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक 3 जनवरी 2024 को जबलपुर में आयोजित की थी। इसके साथ ही वीरांगना के नाम पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सभा कक्ष में विक्रम उत्सव भोज महोत्सव के आयोजन के संबंध में बैठक ली। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोक कल्याण, अभियांत्रिकी, लेखन और शौर्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजा भोज के कृतित्व और व्यक्तित्व से जन सामान्य को परिचित करवाया जाएगा। राजा भोज की स्मृति में भोपाल में 3 दिवसीय भोज देव महोत्सव भी आयोजित होगा।